तो कैसी पब्लिक, तो वीडियो में हम काफी सारे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो क्लास तक जरूर से देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं अंकित बयापुरिया के बारे में। तो अंकित बयापुरिया ने उन लोगों को ट्रोल कर दिया जो बोलते रहते हैं ऐसा कर लो आप 400 या 500 कमा सकते हो। आप देख लीजिए ना वो कैसे ट्रोल किए। राम राम भाई सबने, अगर किसी भी भाई ने दिन के 400-500 रुपए कमाने हैं तो भाई अपनी दिहाड़ी कर लो। तो हमारे नेक्स्ट अपडेट है शाहरुख खान के बारे में। तो आप सभी को तो पता होगा कि शाहरुख खान का एक न्यू मूवी आने वाला है डंकी। तो इस मूवी का ना ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसको काफी लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आपने डंकी मूवी का ट्रेलर देख लिया है तो कमेंट करके बताना कैसा है। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है ऋतिक रोशन के बारे में। तो ऋतिक रोशन का न्यू मूवी आने वाला है, उसका नाम है फाइटर और इसका फर्स्ट लुक आ चुका है जो आप देख रहे हो और ये रिलीज होने वाला है 25 जनवरी 2024 में। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है फुकरे इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान का न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम होने वाला है बिग लाइफ और इसका फर्स्ट लुक आ चुका है जो कि आप देख रहे हो और इसका रिलीज डेट है 12 दिसंबर। तो हमारे नेक्स्ट अपडेट है थगेस के बारे में। तो क्या थगेस को स्ट्राइक मिला है और थगेस को स्ट्राइक किसने दी इसके बारे में वो बात करते हुए कुछ ये कहे और साथ ही साथ जिसने स्ट्राइक दी उसको रोस्ट भी कर दिया। तो आप देख लीजिए ना वो रोस्ट कैसे किए। टाइम से तलवार अंदर पड़ी थी। हर साल कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो गुस्सा दिला देता है यार। देखो आपको पता है मेरे को गुस्से में रोस्ट करना नहीं पसंद, हालांकि आपको एंग्री थगेश पसंद है, लेकिन तो ऐसा हुआ कि मृदुल मधोक जिन पे हमने 2 या 3 साल पहले वीडियो बनाई थी, बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसने स्ट्राइक मारने की कोशिश की, वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज के भरोसे बैठे हो ना, अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर करते रहो जो करना है। ले ले सचिन जी ये गलत कर रहे हैं आप। अगर आपको नहीं पता तो स्ट्राइक बहुत हानिकारक होता है क्रिएटर के चैनल के लिए, लेकिन यूट्यूब समझदार है ना, यूट्यूब ने वो स्ट्राइक एक्सेप्ट की ही नहीं, यूट्यूब ने बोला चल फोट। बेसिकली हुआ क्या कि मृदुल मधोक को अभी लगा रहेगा कि अपनी इमेज व्हाइट वॉश करने का टाइम आ गया है, जो भी काले कांड हमने पास्ट में किए, जो एक्सपोज हमें किया गया है, वो वीडियो डिलीट कराई जाए। सुनामी के बाद जो बचे कुचे गांव होंगे उसमें से एक गांव में मैं सेटल हो जाएगा, तुम दुबई जाओ। हालांकि मृदुल भाई एक और ऑप्शन होता है, अगर आप प्यार से डीएम करते कि भाई 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 ऐसा है तो कर देता मैं भाई, 2-3 साल पहले की वीडियो है, प्यार से बोलता तो कर देता, लेकिन क्या है थोड़ा ईगो ज्यादा होता है ना आदमी में, तो आदमी ने हायर किया एक एजेंसी को, एजेंसी ने बोला हाँ भाई हाँ भाई कर देंगे पैसा दो, भाई ने पैसे दिए एजेंसी से वीडियो डिलीट ही नहीं हुई और मृदुल भाई के पैसे भी गए, स्ट्राइक भी नहीं लगी, वीडियो भी डिलीट नहीं हुई और एक और वीडियो बन। तो नेक्स्ट अपडेट जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है मनोज दे के बारे में। तो क्या मनोज दे का चैनल हैक हो गया था? तो मनोज दे ने बताया कि उनका चैनल हैक होते होते बच गया, तो इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर जी फ्यूल प्रमोशनल मटेरियल भेजा है, ठीक है, बोला कि इसको आप अपने फोन पे इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, फिर इससे समझ जाओगे कैसे वीडियो को बनाना है, मतलब इसमें डिटेल दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक चूक करता छोटा सा, जी फ्यूल प्रमोशनल मटेरियल्स लिखा हुआ .rar रेयर फाइल इसको बोलते हैं, ठीक है, RAR फाइल। अब यहाँ पर दोस्तों अगर इसको मैं क्लिक कर लूं और अपने फोन पे डाउनलोड सिर्फ कर लूं ना, इंस्टॉल तक नहीं करना, सिर्फ डाउनलोड कर लेंगे, सिर्फ डाउनलोड कर लूंगा तो क्या होगा पता है, मेरा ये पूरा जो डिवाइस है ना, ये फोन, ये पूरा फोन ही हैक हो जाएगा। चैनल हैक कभी नहीं होता है इतना समझ लो, फोन हैक करता वो लोग, पूरा सिस्टम हैक करता। अगर फोन पे इंस्टॉल करूंगा तो फोन हो जाएगा, अगर इसी फाइल को लैपटॉप पे करूंगा, कंप्यूटर पे करूंगा तो वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम ही हैक हो जाएगा, पूरा लैपटॉप हैक हो जाएगा। अगर आपको ऐसी स्कैमर एंड हैकर से बचना है आप मनोज दे की इस फुल वीडियो को जाकर देख लेना। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव को एक चीज को लेकर काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि आपको तो पता होगा कि एल्विस यादव अपने सिस्टम क्लोथिंग चैनल पर टी शर्ट एंड कपड़ा सेल करते हैं। तो उन्होंने ये वाला टी शर्ट को सेल किए हैं जिसका प्राइस है 1500। तो आप देख सकते हो कि इस टी शर्ट में भगवान श्री राम का फोटो है, तो इसी को लेकर के एल्विस यादव को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। तो इसी पोस्टर के नीचे कुछ लोग कमेंट करके कुछ ये कहे, एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप पोस्ट करके पढ़ लेना, अपने भगवान का ही धंधा बना दिया है इसने, भगवान के नाम पर धंधा चल रहा है लोगों का, और इन सबको आप पोस्ट करके पढ़ लेना। तो एल्विस यादव ने अपने ट्विटर पर एक और ट्वीट किए थे और उस ट्वीट में वो लिखे थे, दुख दर्द निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। तो इसको भी लेकर के काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, एक ने कहा भाई तूने हनुमान चालीसा को चेंज ही कर दिया।
तो इसी सब को रिप्लाई करते हुए एलविश यादव ने कुछ ये कहा, दरिद्र तुम लोगों के ही लिए लिखा हूँ भाई। और कहाँ पे लिखा है? ये मैंने हनुमान चालीसा से ही लिखा है। प्रार्थना दिल से होती है और हम कर रहे हैं, तुमसे होती है तो तुम करो। तो एलविश यादव ने ये सही किया या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।